नमस्कार दोस्तों, मैं साजन सिंह राजपूत एसबी वेट्स नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिसमें आपको पशुपालन संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। तो आज हम आए हैं पीढ़ी करने। देखिए, यह गाय है जो पशुपालक भाई का कहना है कि इन्होंने 3 महीने पहले डॉक्टर से इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था और आप ये हम चेक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस गाय को रस्सी से पेड़ से अच्छा खुटा लिया है और देखिए पशुपालक भाई को हमने रस्सी पकड़ा दी है और अभी ये मैं उस गाय को चेक कर रहा हूँ। रेक्टम थ्रू मैं इसकी पीढ़ी कर रहा हूँ, यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहा हूँ। देखिए, मैं रेक्टम में इसके जो रेक्टम है उसमें जितना भी गोबर पड़ा है वो सभी निकाला जा रहा है। देखिए, जितना इस गाय के रेक्टम में बहुत सा गोबर पड़ा हुआ है, ये गोबर काढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है। धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा कर कर वो जो गोबर है वो सभी निकाल दिया जा रहा है। और देखिए, अभी लगभग गोबर निकल ही चुका है, अभी थोड़ा सा ही गोबर अंदर अभी बाकी है। अभी देखिए, मैं अभी जो इस गाय के हॉर्न्स है, जो इसके यूट्रस है, वो अभी पालपेट कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या वाकई में इस गाय के बच्चेदानी में बच्चा है या नहीं। देखिए, मैं बड़े ही बारीकाई से पालपेट ध्यान लगा के उस बच्चे को पालपेट कर रहा हूँ, सर्विस पकड़ कर उसके जो हॉर्न्स है वो चेक कर रहा हूँ कि जिसमें बच्चा है या नहीं। और आप देखिए, मैंने पशुपालक भाई को इशारा कर दिया है कि उनकी गाय यह नॉन प्रेग्नेंट ही रह गई है। तो दोस्तों, ये गाय तो नॉन प्रेग्नेंट निकली, मतलब ये तो खाली निकली है। बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद।